कहते हैं वर्क इज वर्शिप, यानी कि काम ही पूजा है, और पूजा के स्थान को हम हमेशा बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहते हैं, रोज हम उसकी सफाई करते हैं। और वैसे ही जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारा जो वर्क प्लेस होता है, वर्क स्टेशन होता है, हम उसको भी हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। हम पूजा करते हैं दुकान या फिर कोई भी अपना बिजनेस खोलने से पहले, ताकि हमारा अच्छा चले। लेकिन कई बार क्या होता है, दिन ढलते ढलते स्वाभाविक सी बात है, इतना सारा कूड़ा करकट हो जाता है कि देखने में अच्छा नहीं लगता। आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी कि अपना जो दुकान का कूड़ा है उसे कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, कुछ आपको ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ, अंत तक देखिएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही यूनिक वीडियो है ये। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए कि कैसे वीडियोस आगे देखना आप चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के टिप्स के साथ। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन के अंतर्गत वो सभी कार्य और गतिविधियां आ जाती हैं जो कचरे को शुरुआत से लेकर उसके अंतिम निपटने तक मैनेज करती हैं। अन्य कार्यों के साथ इसमें कचरा कलेक्शन, ट्रीटमेंट और निस्तारण से लेकर निगरानी और विनियमन तक की गतिविधियां आती हैं। रियाज कल आदि जैसे गाइडलाइंस देने वाले वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कानूनी एवं नियामक तंत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कचरा प्रबंधन क्यों है जरूरी? कचरा प्रबंधन सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत विकास ऐसे विकास को कहा जाता है जो पर्यावरण का ख्याल रखते हुए उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करता है। कचरे को सही ढंग से मैनेज करने से पुनः उपयोगित का चक्र बनता है, उससे हमारी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे उनके दोहन में कमी आती है और उसका संरक्षण होता है। यही कारण है कि सतत विकास की योजनाओं में कचरा प्रबंधन का मुख्य स्थान है। आपके बिजनेस पर कचरा प्रबंधन का प्रभाव। कचरा प्रबंधन का आपके बिजनेस पर आपकी सोच से अधिक प्रभाव हो सकता है। जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उसके साथ में उपभोक्ताओं के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। ऐसे में एनवायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकें अपनाकर आप अपने बिजनेस को कस्टमर फ्रेंडली बना सकते हैं। आजकल ग्रीन इकोनॉमी का जमाना है, उपभोक्ता भी ऐसे बिजनेस से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली मूल्यों के अनुरूप काम करते हैं। ऐसे में हर व्यवसायी के लिए आवश्यक हो गया है कि वो एक प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके अपनाए। प्रभावी तरीके वेस्ट कम करने, उपयोगी सामान पुनः इस्तेमाल करने और रिसाइकल करने पर जोर देता है। वहीं अगर सही तरीके से ना अपनाए जाए तो कचरा भी काफी मात्रा में पैदा होता है, और साथ ही कचरा निस्तारण के लिए आपको जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। ऐसे में आइए नजर डालें कुछ ऐसे टिप्स पर जिनसे आप अपनी दुकान, गोदाम का कचरा सही से व्यवस्थित कर पाएंगे। कैसे करें अपने दुकान का कचरा मैनेज? कम करें वेस्ट का उत्पादन। वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप वेस्ट कम करता है। अब आप जरूरत से ज्यादा सामान बनाते, मंगाते या स्टोर करते हैं तो आपकी दुकान के साथ साथ आपका गोदाम भी भर जाता है। इस स्टॉक को मैनेज करने का कॉस्ट भी ज्यादा होता है, साथ ही सामान खराब होने का भी डर होता है। इसलिए सामान जरूरत और ऑर्डर के हिसाब से ही स्टॉक करें। ऐसा करके आप अनावश्यक वेस्ट मैनेज करने से बच सकते हैं। कचरे का हिसाब किताब है जरूरी। एक सफल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दुकान, गोदाम आदि से उत्पन्न होने वाले कचरे के विषय में समझना होगा। अलग प्रकार के कचरों जैसे सूखे, गीले, केमिकल इत्यादि को अलग कर आपको वर्गीकृत करें। कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे प्रवेश द्वार, बाथरूम, गोदाम आदि से शुरुआत की जा सकती है। ऐसे आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी दुकान के किस एरिया में सबसे ज्यादा वेस्ट उत्पन्न हो रहा है। दुकान में लगवाएं डस्टबिन। अपनी दुकान, गोदाम आदि में अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन बनवाएं, ताकि आपके बिजनेस से संबंधित लोग अपना कचरा यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय डस्टबिन में डालें। इन डस्टबिन पर आप कुछ चिन्ह बनवाएं, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि कौन से डस्टबिन में गीला और कौन से डस्टबिन में सूखा कचरा डालना है। अपने कचरा निस्तारण के तरीके का पुनः मूल्यांकन करें। स्वाभाविक है कि बड़ी दुकानें ज्यादा कचरा उत्पन्न करती हैं। ऐसे में उन्हें कचरा ले जाने वाली गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। कई कचरा ले जाने वाली रिसाइकलिंग की सुविधा भी दे जाते हैं। आप पहले ऐसे कचरे वालों से संपर्क करें। अगर आपकी दुकान किसी की प्रॉपर्टी पर है तो पहले से ही कचरा प्रबंधन के तरीकों से संबंधित जानकारी मालिक से लें। कचरा पिकअप पॉइंट्स की जानकारी रखें। सुनिश्चित करें सबकी सहभागिता। एक सफल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपके कर्मचारियों, ग्राहक, अंकों आदि की सहभागिता पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसलिए इन सभी को आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप अपनी दुकान में से संबंधित घोषणा करवा सकते हैं, साथ ही पोस्टर आदि भी लगवा सकते हैं।
व्यवस्थित तरीके से काम और स्टाफ मैनेज करें। आप अपनी शॉप पर काम करने वाले कर्मचारियों को और उनसे जुड़े कामों को बेहद आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं ओके स्टाफ के जरिए, जिसमें आप सभी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी समय से आप हर एक कर्मचारी को उसका काम, छुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदि बता सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स में। ओके स्टाफ ऐप के बारे में और अधिक जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओके स्टाफ वीडियो का लिंक पा सकते हैं। बनाएं एक ग्रीन टीम। आपकी ग्रीन टीम में कुछ ऐसे लोगों को रखें जो ग्राहकों, कर्मचारियों आदि के बिजनेस में पर्यावरण को अनुकूल सतत आचरण स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षित, सशक्त और प्रेरित करें। बदलें अपने कामकाज के तरीके। फालतू के ईमेल, रसीदें आदि देने और प्रिंट करने से बचें। SMS के विकल्प को प्राथमिकता दें। सामान पुनः उपयोग करने योग्य कंटेनर में बेचें। प्रचार प्रसार सामग्री अपनी वितरण सूची के हिसाब से ही प्रकाशित कराएं। कस्टमर को सामान बेचते समय अपनी ओर से कम पैकेजिंग करें। आप इसके लिए कस्टमर से खुद अपना बैग इत्यादि लाने के लिए कह सकते हैं। अपने स्टाफ और विक्रेताओं के साथ मिलकर डिस्पोजेबल पैकेज और अन्य संभावित कचरे को अपनी दुकान से दूर रखें। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या फायदे हैं? आप अपनी दुकान के कचरे को रिसाइकल करके आप अपनी निस्तारण लागत कम कर सकते हैं। आपकी दुकान से कितना और किस प्रकार का कचरा निकलता है ये जानकर आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपकी दुकान के लिए किस प्रकार की वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस ठीक रहेगी। बेहतर जानकारी के साथ सही दामों पर सही निर्णय लें। कचरा, पानी और ऊर्जा का कुशल प्रबंधन आपके बिजनेस को बूस्ट करके आपकी इमेज को बेहतर बना सकता है। कुशल वेस्ट मैनेजमेंट तरीके अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम किया जा सकता है। दे सरकार का साथ। नगर निगम की ओर से दुकानों के लिए दो तरह के डस्टबिन दिए जाते हैं। ये डस्टबिन हरे और नीले रंग के होते हैं। हरे रंग का डस्टबिन गीले कचरे के लिए और नीले रंग का डस्टबिन सूखे कचरे के लिए होता है। केंद्र सरकार के इस अभियान में हर दरवाजे पर जाकर कचरा उठाया जाता है। इस कचरे से बिजली, कंपोस्ट आदि बनाने का कार्य किया जा सकता है। आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और धरती को स्वच्छ बनाने में उनका सहयोग करें। ध्यान रखें, आज दुकानदारों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ई कॉमर्स क्रांति के चलते कई दुकानें बंद हुई हैं। ऐसी नई दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अब दुकानदारों को कुछ नया सोचना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी जिससे उनकी लागत में कमी आए। इसमें एक जरूरी फैक्टर वेस्ट मैनेजमेंट भी है। एक दुकानदार जो लंबे समय तक सफल रहना चाहता है, इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार की संभावनाएं तलाशना बेहद जरूरी है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।